दोस्तों बांग्लादेश टीम भारत आ रही है, दो टेस्ट मैच और तीन टी20 आज मुकाबले खेलने हैं। ये सभी मुकाबले अलग अलग स्टेडियम में खेले जाएंगे। टेस्ट मैच की शुरुआत होगी सुबह के 10 बजे और टी20 आइस मुकाबले खेले जाएंगे शाम को 7:30 पे। टेस्ट मैच में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे हमें रोहित शर्मा और साथ ही साथ विराट कोहली भी नजर आएंगे हमें, जो कि टी20 मुकाबलों संन्यास ले चुके हैं। इन खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगी, खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए टेस्ट मैच, क्योंकि विराट कोहली को 100 शतक पूरा करने के लिए अभी भी 20 शतक की जरूरत है और 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले जितने भी मुकाबले भारतीय टीम खेलेगी उसमें विराट कोहली का यह प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरह करके 20 शतक को पूरा किया जाए और सेंचुरी की सेंचुरी को अपने नाम पे किया जाए। सचिन तेंदुलकर जिनके नाम पे 100 शतकों का रिकॉर्ड है, तो 21 शतक अगर बनाते हैं विराट कोहली तो कहीं ना कहीं सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लगभग 10 से 20 साल तक तो नहीं लगता ये रिकॉर्ड टूटेगा, बाकी आने वाले भविष्य में देखना होगा कि रिकॉर्ड टूटता है या नहीं टूटता है। तो बहरहाल इस सीजन में जो पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा 6 अक्टूबर 2024 को। यह मुकाबला माधव राव सिंधिया स्टेडियम ग्वालियर में खेला जाएगा। काफी ज्यादा कंफ्यूजन मची हुई थी, कंफ्यूजन इस बात में मची थी कि यह मुकाबला रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में खेला जाएगा, लेकिन बाद में क्लियरेंस आया जिसमें यह बताया गया कि यह मुकाबला माधव राव सिंधिया स्टेडियम ग्वालियर में खेला जाएगा। तो अगर आपको इस मुकाबले की टिकट बुक करनी है तो आपको अभी थोड़ा दिन को और वेट करना पड़ेगा। थोड़ा दिन का मतलब ये है कि सितंबर महीने में इसकी टिकटें आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके टिकट लाइन अभी भी ओपन है, आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ओपन है वहाँ पे आपको फेक टिकट मिल रही है। फेक टिकट का मतलब ये है कि टिकट बुक करने के बाद न तो आपको पैसा रिफंड होगा न तो आपको टिकट मिलेगी, आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा। इसकी टिकटें सिर्फ और सिर्फ दो वेबसाइट पे आएगी, एक हो गया पेटीएम इंसाइडर, दूसरा हो गया बुक माई शो। इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से आप इसकी टिकट को बाय मत करिएगा। इसकी टिकट जब भी आएंगी या टिकट लाइन ओपन होंगी तो मैं आपको वो जानकारी पहले लगा देने की कोशिश करूंगा ताकि आप समय से पहले टिकट बुक कर लें, क्योंकि काफी टाइम बाद इंडियन टीम कोई मुकाबला खेलने जा रही है तो इसकी टिकटें मिलना बहुत मुश्किल होगा। इतनी ज्यादा पब्लिक टिकट बुक करेगी कि अगर आप लेट करेंगे तो टिकटें जो है वो सोल्ड आउट हो जाएंगी। तो आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट मैं आपको बस लगा देने की कोशिश करूंगा। लाइनें ओपन होंगी तो मैं आपको वो लिंक दे दूंगा जिस लिंक के थ्रू डायरेक्ट जाके आप इस मुकाबले के ओरिजिनल टिकट बाय कर पाएंगे।